पिछले कई दिनों से मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की हालत अब बिगड़ना शुरू हो गई है। आज हालात अब बिगड़ने पर एक उम्मीदवार को आज अस्पताल में भेजा गया। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता सुनील डिंपल ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि सरकार को जल्द से जल्द इन अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी करने की जरूरत है। आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो यार गाड़ी अपनी असिस्टेंट का बच्चा फेल हो गया, बेहोश हो गया, 10 दिनों से भूखे प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए हैं, आपको कोई सुनाई नहीं दे रहा। आप यहाँ पे एलजी साहब, आप इनकी सिलेक्शन लिस्ट क्यों नहीं निकालते? ये मेरिटोरियस बच्चे हैं, पोजीशन होल्डर्स बच्चे हैं, इन्होंने सब इंस्पेक्टर की क्वालिफाई किया, आपने वो लिस्ट इनकी स्क्रैप कर दी। आज ये फाइनेंशियल अकाउंट्स के असिस्टेंट के लिए सिलेक्ट हुए, आप इनकी लिस्ट नहीं निकाल रही है। ये मेरिटोरियस बच्चे, ये पढ़े लिखे बच्चे, क्यों आप इन्हें दरबदर कर रहे हैं? और आपने देखा कि अभी अभी रमन नाम का नौजवान, माँ का बेटा, जम्मू कश्मीर का बेटा और हमारी बेटियां प्रेस क्लब के बाहर बैठी हुई है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज हम आपको चेतावनी देते हैं कि अगर सिलेक्शन लिस्ट 72 घंटे के अंदर नहीं निकाली गई या उप राज्यपाल साहब आपका कोई बयान नहीं आया।